तो महेश वर्मा, अब सब कुछ बेचेगी सरकार पैसा इकट्ठा करने के लिए? अविश्वास नहीं, सरकार कह रही है सरकार का काम नहीं है कारोबार चलाना, इट इज नॉट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू बी इन बिजनेस। और 7,000 ऐसे लोगों को जेल में डाल दिया गया है जो सरकार की आलोचना कर रहे थे। तो सरकार की आलोचना तो लोकतंत्र को और मजबूत करता है, लोकतंत्र को कमजोर करता है क्या? इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है। बात यह है देखिए कि पहले क्या हाल था, ये आंकड़े में तमाम आंकड़े दर्शकों को भी अब रट गए हैं। पिछले कुछ समय से मीडिया में सत्ता से सवाल होने बंद से हो गए हैं, और होते भी तो विपक्ष के नेताओं से या विपक्ष के बयानों को लेकर। ज्यादातर डिबेट हमें मेनस्ट्रीम मीडिया के चैनलों पर देखने को मिलती है, जिससे हम गोदी मीडिया भी कह ही देते हैं। आज हम ऐसे पत्रकार की बात करेंगे जो ऐसे समय में भी सवाल सरकार में बैठे नेताओं से ही कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं News24 के पत्रकार संदीप चौधरी की। इस वीडियो में बात उनकी कुछ हाल ही की डिबेट्स की करेंगे, जिनमें उन्होंने बीजेपी के नेताओं से सवाल किए हैं। निजीकरण का मुद्दा एक जरूरी मुद्दा है जिस पर News24 पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर संदीप चौधरी ने बीजेपी नेता से राहुल गांधी द्वारा उठाए निजीकरण के मुद्दे पर कुछ तीखे सवाल किए, जिस पर बीजेपी नेता पिछली सरकार पर दोष लगाने लगे, पर संदीप ने बीजेपी नेता को टोका, अपनी सरकार की बात करने को कहा। तो महेश वर्मा, अब सब कुछ बेचेगी सरकार पैसा इकट्ठा करने के लिए? मैं जो है संसद में फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐसी कोई अनाउंसमेंट करी, अभी आशंकाओं के आधार पे इस तरह का एक अविश्वास पैदा करना देश के अंदर। अविश्वास नहीं, सरकार कह रही है सरकार का काम नहीं है कारोबार चलाना, इट इज नॉट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू बी इन बिजनेस। ये तो सरकार साफ शब्दों में कह रही है ना। और क्या 91 से लेके अब तक निजीकरण हुआ ही नहीं किसी चीज का? मतलब आप कांग्रेस की राह पर चल रहे हैं, जिस कांग्रेस को कोस कोस कर आप सत्ता में आए कि कांग्रेस की नीति थी हम उसे ही आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस ने मनरेगा किया उसे हम आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस जीएसटी लाने की बात करती थी हमने कर दिया। कांग्रेस के पदचिन्हों पर चल रहे हैं क्या? नहीं, मैं उनके पदचिन्हों की बात नहीं कर रहा। संदीप सिंघू के किसानों से मिलने पहुंचे, वहां उन्होंने सिंघू के किसानों से बात की और उनकी मजबूरी को सुना, जिसके बाद वे बीजेपी नेता से मिले और उनसे तीखे सवाल करते दिखे, जिसमें बीजेपी नेता सिर्फ सरकार की तारीफ करते दिखे, पर एंकर ने नेता को टोका और कुछ आंकड़ों पर जवाब देने को कहा। जय जय श्री राम तो जरूर कहिए, लेकिन किसानों के लिए रामराज कब आएगा? आएगा, आ चुका है। देखिए, इस देश में मोदी जी की सरकार ही तो ऐसी सरकार हुई जिसने किसान को सम्मान निधि देने की बात की। मोदी जी की सरकार ऐसी हुई जिसने इस बात को स्थापित किया कि वो अन्नदाता किसान जो सुबह से लेकर रात तक अपने खेत में काम करता है और इस देश की जनता को अन्नदाता के रूप में अन्न प्रदान करता है, उसको सम्मान निधि मिले। सम्मान निधि 6,000 रुपये की है। अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य पक्का मिल जाए, अगर धान 1868 सबसे ज़्यादा धान यहीं उगता है, 1868 वाला 1,000 रुपये में बिकता है, तो 1 क्विंटल में ही 800 रुपये का नुकसान, 10 क्विंटल में ही 8,000 रुपये गए। ये तो वो विघ्न संतोषी लोग, शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट है 6% खरीदी होती है। देखिए, मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि इस देश में कुछ ऐसे विघ्न संतोषी हैं जिनको केवल विघ्न डालने में ही संतोष होता है, इसीलिए उन्होंने कृषि कानून को लेकर अनर्गल बातें की। भारत की डेमोक्रेसी को लेकर आई एक रिपोर्ट पर News24 के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी ने बीजेपी नेता से सवाल किए, जिसमें उन्होंने रिपोर्ट में लिखी कुछ बातों पर सवाल किया, पर बीजेपी नेता बात को गोलमोल करते दिखे, पर संदीप ने उन्हें अपने तीखे सवालों से ऐसे करने से रोका। तो देश रत्न निगम, यहां पर अब यह कहा जा रहा है कि भारत इलेक्टेड डेमोक्रेसी एक चुने हुए लोकतंत्र के बजाय एक चुना हुआ एक तंत्र बनता जा रहा, इसको फेंक दिया जाए कूड़े के कचरे में, या कुछ गंभीर सवाल उठते हैं इस रिपोर्ट से? देखिए, लोकतंत्र में या प्रजातंत्र में हम बैठ के इसको हम चर्चा कर रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। कुछ लोग जो विरोध करते हैं और सवाल करते हैं, उनका कहना यह है कि हम को कोई अपराध अगर हम करें तो हम उसके पीछे छिप जाएं कि हम सरकार का। इस रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है देश रत्न निगम कि देखिए, सरकार इस्तेमाल किस चीज का कर रही है, सेडिशन, देशद्रोह, डेफेमेशन, अवमानना, काउंटर टेररिज्म लॉज, ये UAPA वगैरह, और 7,000 ऐसे लोगों को जेल में डाल दिया गया है जो सरकार की आलोचना कर रहे थे। तो सरकार की आलोचना तो लोकतंत्र को और मजबूत करता है, लोकतंत्र को कमजोर करता है क्या?
किसानों के मुद्दे पर न्यूज 24 पर एक डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने बीजेपी नेता से किसानों की समस्याओं को हल करने को लेकर सवाल किए, पर वे अपने जवाब में सरकार की ही तारीफ करते दिखे, जिस पर एंकर ने उन्हें टोक दिया। ये सवाल सत्यपाल मलिक मेघालय के राज्यपाल गवर्नर पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं सरकार गलत रास्ते पर है, सरकार को किसानों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए, अनदेखी की जा रही है ना, यही कह रहे हैं सत्यपाल मलिक। जिस हम समस्या की बात कर रहे हैं, ये ऐसा तो नहीं है कि 6 सालों में खड़ी हो गई है, इसके पीछे पीछे 70 सालों का इतिहास रहा है और 70 सालों में हमने देखा है कि लगातार जो किसान है नहीं, नहीं, इस पर बहुत चर्चा कर चुके हैं, इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है। बात ये है देखिए कि पहले क्या हाल था, ये आंकड़े में तमाम आंकड़े दर्शकों को भी अब रट गए हैं कि 70 सालों में किसान आज भी 2021 में 8,900 रुपए प्रति महीना कमा रहा है, एमएसपी उन्हें मिलती नहीं है। तो इन मांगों को लेकर जब वो आंदोलन करते हैं, सरकार उनकी अनदेखी कर रही है क्या, सवाल ये उठा रहे हैं सत्यपाल मलिक। संदीप जी, उन्होंने किस संदर्भ में कहा है, कैसा कहा है, वो तो सत्यपाल मलिक जी बेहतर बता पाएंगे। संदीप अपनी डिबेट में बीजेपी के नेताओं से तीखे सवाल करते हैं और उनकी डिबेट के मुद्दे भी जरूरी ही होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि गोदी मीडिया भी इसी तरह सरकार से तीखे सवाल करे और जनता के मुद्दे उठाए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।